पल पल के अपडेट से जानने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज इंडिया A9। 8 जून का इतिहास, देश और दुनिया के इतिहास में 8 जून के दिन कई घटनाएं हुई। 8 जून 1936 ऑल इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। 8 जून 1948 भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की थी। 8 जून 1978 नाओमी जेम्स ने अकेले दुनिया का चक्कर लगाकर नौकायन का विश्व रिकॉर्ड आज ही के दिन बनाया था। नाओमी जेम्स ने करीब 43,452 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उनकी 53 फुट लंबी नाव ने समुद्र में करीब 9 महीने बिताए थे। कुल मिलाकर नाओमी जेम्स ने 272 दिनों में ये कीर्तिमान हासिल किया था। 8 जून 1982 आज ही के दिन अर्जेंटीना के फॉकलैंड युद्ध के दौरान 2 ब्रितानी रसद के जहाजों के ऊपर हमला किया गया था। इस हमले में 50 ब्रितानी नाविक मारे गए थे। 8 जून 1983 मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में ब्रिटेन के आम चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी ने विपक्षी लेबर पार्टी की 209 सीटों के मुकाबले 397 सीटें लेकर दूसरी बार बहुमत हासिल किया था। 8 जून 1992 आज ही के दिन ब्राजील में पहली बार वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया था। 8 जून 1997 पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के महेश भूपति ने मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास बनाया था। 8 जून 2009 मशहूर भारतीय नाटककार, निर्देशक, कवि और अदाकार हबीब तनवीर आज ही के दिन दुनिया के रंगमंच से विदा हुए थे। तनवीर के मशहूर नाटकों में आगरा बाजार और चरणदास चोर शामिल है। 50 वर्षों की लंबी रंग यात्रा में बहुआयामी हबीब ने 100 से अधिक नाटकों का मंचन और सर्जन किया था। हबीब जितने अच्छे अभिनेता, निर्देशक और नाट्य लेखक थे, उतने ही महान गीतकार, कवि, गायक और संगीतकार भी थे।